नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण अफसाना आप सबका वेलकम करती हूँ। अभी जो ये कोरोना वायरस नाम की जो बीमारी हम लोगों के बीच में है, इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने घर में रहें, सेफ रहें। खास करके बच्चों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम अपनी फैमिली से प्यार करते हैं तो हमें कम बाहर जाना चाहिए, ज़्यादा टाइम घर पे दें, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जिसकी भी दवा तक नहीं निकल पाई और इतने सारे लोग का डेथ हो चुका है। बहुत कुछ ऐसा हम लोग न्यूज़ में सुन रहे हैं, इसलिए सरकार को ये लॉकडाउन करना पड़ा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग बाहर ज़्यादा ना जाएं, घर पे रहें, और जो भी हम राशन या सब्जियां लेने के लिए बाहर निकलते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस, बट हम जब बाहर निकले तो 1 वीक का राशन हो या सब्जी हो, हम लोग सारी चीज़ें घर पे ला करके स्टोर कर लें, ताकि हम कम बाहर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखें। ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी हम इस वायरस से लड़ पाएंगे। सेकंड इज दैट, छोटे बच्चों को आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक से दूर रखें, क्योंकि बच्चों को जब अभी मौसम भी ऐसा है कि कभी ठंडी और कभी गर्मी, तो बच्चों के लिए क्या है कि उनमें कफ या फीवर ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है, तो अभी ये कोरोना वायरस को लेकर एक टेस्ट होता है जो बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो आई एम रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीफ न्यूज चैनल, हर पल आपके साथ। आज मैं इस खुशी बुलेटिन में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। आज की सबसे बड़ी अहम खबर जो आ रही है, वो खबर ये है कि प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को मुल्क से खताब करेंगे। उम्मीद है कि अपने खताब में वो जो लॉकडाउन में जो लोग फंसे हुए उनके लिए कुछ राहत भरी खबर लाएंगे, और साथ साथ जो गरीब है उसके लिए भी कुछ अच्छी बड़ी खबर आएगी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा ने आज कुल्टी के बहुत सारे इलाकों का दौरा किया, और उन्होंने खासकर राशनिंग जहां पे जो डिपार्टमेंट जहां पे राशन दुकान जहां पे बांटे जा रहे हैं, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर उन्होंने लोगों को बताया कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, और राशनिंग ऑफिसर से उन्होंने मुलाकात करके ये जानकारी कोशिश की कि राशन का जो निजाम हुआ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। इसी तरह मैंने खबर ये आई, कुल्टी मंडल 3 के बीजेपी के प्रेसिडेंट अमित गुराय ने अपने कार्यकर्ता से और लोगों से ये अनुरोध किया है कि इस लॉकडाउन के वक्त आप ज्यादा से ज्यादा घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, और जरूरत बहुत ज्यादा जब जरूरत हो तभी उस वक्त आप बाहर निकले, वरना बाहर नहीं निकले। और दोस्तों एक बड़ी खबर यह आई कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एमएम हाइसी मीर हासिम ने लोगों से ये अपील की है कि इन दिनों आसनसोल में अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है, लोग तरह तरह की अफवाहें रूमर फैला रहे हैं। आज इस मुसीबत की घड़ी में जब वक्त है हम तमाम लोग एक दूसरे के कंधा से कंधा मिलाकर कोरोना जैसे वायरस से हम लोग लड़े, और अब हम लोग बिल्कुल करीब है कि वह वक्त दूर नहीं जब हम लोग कोरोना पर पता पा लेंगे, लेकिन ऐसे वक्त में भी कुछ लोग वो पता नहीं क्या मिलता है, वो अफवाहों का बाजार गर्म किए हुए एक दूसरे पर छींटा कसी कर रहे हैं। उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया ऐसे लोगों से कि आप सोशल मीडिया हो या फिर और भी कोई भी सोर्सेस हो, आप वो रूमर की बाजार गर्म ना करें, और एक जो माहौल जो तनाव भरा माहौल है जो तो उस को मत फैलाए, क्योंकि बहुत सारे लोग लॉकडाउन होने की वजह से वो लोग ऐसे ही डिस्ट्रेस हो गए हैं, प्रेशर में हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट ये की है कि आप कृपया करके अफवाहों का बाजार को गर्म ना करें। आसनसोल पुलिस कमिश्नर दुर्गापुर आसनसोल पुलिस कमिश्नर के सुकेश जैन ने एक बहुत बड़ी राहत बड़ी खबर लोगों को ये लाई है कि उन्होंने इमरजेंसी टैक्सी सर्विसेज का सर्च बहाल किया है। आप अगर किसी को जरूरत है कि जो लोग बीमार हैं उनके तक अगर पैसा पहुंचाने हैं, या फिर वो लोग जिनको हॉस्पिटल जाना है, तो उन्होंने एक नंबर दी है, उस नंबर पे कॉल करके आप इमरजेंसी टैक्सी का फैसिलिटी ले सकते हैं। और जो आसनसोल पुलिस कमिश्नर ने जो नंबर प्रोवाइड कराई है वो नंबर ये है 8116064400। इस नंबर पे कॉल करके आप इमरजेंसी टैक्सी फैसिलिटी ले सकते हैं। वार्ड नंबर 66 से यह खबर आई कि रजिया खालिद खान ने
अपने वार्ड में लोगों को राशन तकसीम की है, उनके वार्ड में बहुत सारे लोगों को राशन नहीं मिल रहा था, जब उनको ये खबर हुई तो उन्होंने उन लोगों के राशन का इंतजाम किया। सीएचएम न्यूज चैनल भी ये पहल करती है और लोगों से ये अनुरोध करती है कि जहां जहां राशनिंग का सिस्टम खराब हो गया, उनके घर में राशन नहीं है, आप थोड़ी सी मदद करके उनकी भूख को मिटाए, क्योंकि ये मुसीबत की घड़ी और मुसीबत की जो वक्त है वो बीती जाती है। इससे पहले भी दुनिया में बहुत सारी मुसीबत आए रहे और आपने देखा कि मुसीबत चली गई, मुसीबत तो चली जाएगी लेकिन ये याद रह जाएगा कौन लोग आपके साथ में हैं। और एक ये खबर आई है कि लॉकडाउन की वजह कर और कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए तमाम उलमाए करान और मुफ्तिया कराम इस बात पे इत्तफाक रखते हैं कि इम साल रमजानुल मुबारक में तरावी की नमाजें जो है वो आप अपने घरों में अदा करें और जब तक कोरोना वायरस से पूरी निजात नहीं मिल जाती है उस वक्त तक मस्जिदों को मुअत्तल किया जाएगा। और लोगों ने उलमाए कराम ने लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने घरों से ही इबादत करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला कोरोना वायरस से जल्द निजात दे दे। वाइटी के शौकीन उसके लिए एक राहत भरी खबर ये आ रही है कि मेघालय राज्य ने 5 दिनों के लिए वाइन शॉप 7 घंटों के लिए खोल दिया है। असिस्टेंट मिनिस्टर कॉर्पोरेशन के मेयर जितेंद्र कुमार तिवारी ने लोगों से ये अनुरोध किया है कि इस लॉकडाउन की वजह कर अगर आप घर से बाहर निकले तो गमछा का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, दुपट्टा का इस्तेमाल करें, क्योंकि कोरोना वायरस है उस वक्त हम काबू पा सकते हैं जब हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, लोगों से ज्यादा फासला बनाए। लॉकडाउन एक्सटेंशन होने की वजह कर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। इस मुसीबत की घड़ी में सीएफएम की पूरी टीम उन लोगों के साथ है और हमारी सीएफएम टीम ने एक सांझा चूल्हा स्कीम के तहत एक प्रोग्राम का आगाज किया है। उस प्रोग्राम के तहत लोगों को राशन पहुंचाया जाएगा जो जरूरतमंद है। इसमें अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी उन लोगों के आंसू को पोंछ सके इस मुसीबत घड़ी में तो स्क्रीन पर जो हमारे नंबर है उससे आप कॉन्टेक्ट करके इस अच्छे काम में आप भी भागीदारी हासिल कर सकते हैं। और आखिर में दोस्तों बस यही कहूंगा कि अपने परिवार को महफूज रखने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए, लॉकडाउन में कम से कम घर से निकलिए। गुड बाय।